हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडपांडा में आपका बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही छोटी सी रेसिपी लेके आई हूं, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी है। बाहर से हम अगर इस रेसिपी को खरीदते हैं, इस चीज़ को खरीदते हैं, तो हमें केवल कलर और केमिकल का ही लगता है कि उसमें बॉटल में भरा हुआ है। मैं आज आपके साथ चिली सॉस शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली है। एक बार आप सीजन में ग्रीन चिली आ रही हो दोस्तों, तो इसे बनाकर आप बॉटल में भर के रख दें और उसके बाद इत्मीनान से आप पूरे समय खाते रहें। मैंने लगभग 100 ग्राम मिर्ची ली थी, लगभग 75 ग्राम से थोड़े से कम मैंने लहसुन लिया है और 50 ग्राम मैंने अदरक। मैंने ग्रीन चिली को धो के उसे बीच से तोड़ दिया था, जिससे कि वो उड़े नहीं, क्योंकि चिली तेल में जाने पर उड़ता है। साथ ही मैंने अदरक को भी लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था और मैंने लहसुन को केवल छील लिया था। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है। ऑयल आप लगभग 2 टीस्पून डालेंगे भर के, क्योंकि अगर टीस्पून डाल रहे हैं तो 3 टीस्पून डालिएगा और टेबलस्पून डाल रहे हैं तो 2 टेबलस्पून डालिएगा, क्योंकि ऑयल और सॉल्ट ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे डिश को प्रिजर्व करती हैं फ्रेंड्स। इसलिए वैसे तो हम इसमें विनेगर भी डालेंगे, विनेगर भी किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करता है, इसलिए मैंने लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। फिर मैंने सभी चीज़ों को डाल के जल्दी से एक बार चला के ढक दिया था, क्योंकि अगर आप मिर्चा को नहीं ढकेंगे तो आपके आँख और नाक पर लगेगी, इसलिए आप उसे एक ढक्कन से तुरंत ढक दीजिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उठाते हुए चलाते रहिए, जिसमें कि मिर्च अदरक और लहसुन कोई भी चीज़ कढ़ाई में चिपके नहीं, और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अब देखिए, मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने से ये लगभग ठीक ठाक से पक जाएंगे। वैसे हमें इनको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, हमें बस इनका कच्चापन अच्छे से दूर करना है और इनका पानी जिसमें कि ख़त्म हो जाए उतने देर तक ही पकाना है फ्रेंड। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी चाइनीज डिश में, या और भी किसी भी पकोड़े के साथ, या अगर आप कोई भी रोल खा रहे हैं उसके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। किसी भी सब्जी में अगर एक चम्मच आप डाल देंगे तो उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, ये मेरी पूरी ऑथेंटिक रेसिपी है, ये मैंने कहीं से नहीं कॉपी की है, ये बिल्कुल ही मेरी ऑथेंटिक रेसिपी है। मेरी मम्मी हमेशा बनाया करती है, उन्होंने ही मुझे बताया था। प्लीज़ मैं आपको कहूँगी, प्लीज़ मस्ट ट्राई फ्रेंड्स, बहुत बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी देखिए कितनी जल्दी बन जाने वाली है। मेरे लगभग मिर्च, लहसुन और अदरक तीनों लगभग फ्राई हो गए हैं। मैंने इन्हें 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है और मेरे फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इन्हें ग्राइंडर में डाल देंगे, ग्राइंडर जार में। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे बड़े जार में पीसेंगे, और अभी शुरू में पीसते वक्त हमें इसमें विनेगर थोड़ा सा ही डालना है, जिसमें कि हमारे मिक्सर अच्छे से बढ़िया से पीस सके। उसके बाद फिर हम लोग इसमें अच्छे से बाद में लिक्विड में करने के लिए अच्छी तरह से विनेगर को मिलाएंगे। देखिए, अभी विनेगर में बस इतना ही डालूंगी, जिससे कि हमारे जितने भी चीज़ हैं अच्छी तरह से। देखिए, मैंने पीस के इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रखूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर और मिलाया है और इसे डाइल्यूट करके हल्का सा लिक्विड किया है। आप चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये फ्रेंड्स, मैंने चिली सॉस को बॉटल में डाल दिया है और ये बनकर पूरी रेडी है। फ्रेंड्स, अब मेरी दूसरी रेसिपी बर्गर है, जिसे आप चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं। वैसे मैंने इसे टमेटो सॉस और मेयोनेज के साथ बनाया है, ये भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस बर्गर को मैंने माइक्रो बर्गर का नाम दिया है। ये बहुत ही छोटे छोटे और क्यूट होते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे, इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बर्गर के लिए पेटी पहले ही तैयार कर ली थी, मैंने 2 पेटी तैयार की है, मैं उसे लगभग हाफ हाफ कर दूंगी। इधर मैंने अपने
कुकी कटर से हार्ट शेप में काट लिया है। आप चाहे तो इसे गोल भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे थोड़ा और बड़ा करके रख सकते हैं। मैंने बच्चों के लिहाज से बनाया है, इसलिए मैंने इसे हार्ट शेप में दिया है, क्योंकि बच्चे तरह तरह के शेप के हों तो खाने में बच्चों को बहुत ही मजा आता है, इसलिए मैंने हार्ट शेप का दिया। आप स्टार शेप से भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने लगभग 2 ब्रेड को काट लिया है और मेरे पास अब 6 हार्ट शेप के पीसेज आ गए हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से अरेंज करूंगी। ये भी बहुत ही आसान है। अगर बच्चे आपके कुछ खाने को मांग रहे हैं तो इन्हें दे सकती हैं। ये 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। बस इसे केवल हम लोगों को अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने नीचे में टमाटो सॉस डाल दिया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकती हैं। मैंने बटर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि बर्गर हमारे ऑलरेडी फ्राइड हैं। मैंने उन्हें तवा पर हल्का तेल डाल के सेका है। मैंने कल आपको बर्गर की रेसिपी दी थी, मैंने टिक्की की रेसिपी दी थी, मैंने वैसे ही टिक्की बनाई है। मैंने नीचे में टमाटो सॉस को लगा दिया है। अब मैं दूसरे में मेयोनेज, तो पहले मैंने टिक्की रखा है हाफ हाफ काट के, क्योंकि मेरे ब्रेड के पीसे छोटे हैं इससे मुझे टिक्की को हाफ काटना पड़ा है। आप चाहें तो इसे भी आप हार्ट शेप में डालकर और फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसमें और कुछ नहीं, सलाद में केवल खीरा डाला है। अगर आपके बच्चों को ऑनियन या टमाटो पसंद है तो उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ टमाटर को डीसीड कर दीजिएगा क्योंकि उसके पानी से सॉगी हो जाएगा हमारा बर्गर। देखिए अब मैंने इसमें मेयोनेज लगा दिया है। मैंने फ्लेवर वाला मेयोनेज लगाया है, आप चाहें तो बिना फ्लेवर वाला जो मिलता है वाइट मेयोनेज उसे भी लगा सकते हैं। आपके बच्चे को जैसा पसंद है वैसा ही लगाइए। देखिए अब मैंने इसके ऊपर एक एक खीरा भी रख दिया है। इसी समय आप चाहें तो एक एक कतरन प्याज के और एक टमाटो के भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चे प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। और अगर तुरंत बच्चे नहीं खा रहे हैं तो टमाटो डालने से थोड़ा एसिडिक हो जाता है, इसलिए भी मैंने टमाटो को नहीं डाला है। देखिए मैंने टूथपिक डाल के सबको अरेंज कर लिया है, जिसमें बच्चे एक एक टूथपिक से आराम से उठाएं और उन्हें आराम से खा सके। अब मैं इसके ऊपर छोटा छोटा कटा हुआ चीज लगा दूंगी और इस तरह से मेरे माइक्रो बर्गर बिल्कुल तैयार है। मैंने उल्टे तरफ से नुकीला तरफ को मेरे नीचे डाल दिया था, इससे ऊपर में मेरे चीज टूट जा रहे हैं। आप एक काम करेंगे, मोटे साइड को नीचे में डालेंगे और पतले वाले को ऊपर में करेंगे, तब आपके चीज नहीं टूटेंगे। ये पीछे वाला पोर्शन है इससे मेरे चीज टूट जा रहे हैं। अगर आप पीछे वाले की तरफ डालते हैं तो प्लीज सावधानी से उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि तो बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। और मैं इसके ऊपर बाद में थोड़ा सा चाट मसाला और बहुत थोड़ा सा मैं लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी, जिसमें ये बच्चों को देखने में अच्छी लगे। आप चाहें तो इस प्लेट के साइड में भी सलाद डाल सकती हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है बच्चों को खाने के लिए और बहुत ही हेल्दी है। प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे माइक्रो बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने एक ग्रीन चिली से इसे सजाया, लेकिन वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप का बटन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाली डिशेज की आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई चैनल। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये।